नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ओप्पो A16 के वर्सेस पोको C31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A16 के में 6.46 इंच जबकि C31 में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो A16 के में 2.97 इंच जबकि C31 में 3.04 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो A16 के में 0.31 इंच जबकि C31 में 0.35 इंच की थिनेस मिलती है जो कि A16 के से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A16 के में 175 ग्राम जबकि C31 में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है जो कि A16 के से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A16 के में 6.52 इंचेस जबकि C31 में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A16 के में 83% जबकि C31 में 80.97% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A16 के में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और C31 की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A16 के में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और C31 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Helio G35 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 3GB 4GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A16 के में अप टू 1TB जबकि C31 में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A16 के में Android V11 जबकि C31 में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी A16 के में 4230 mAh जबकि C31 में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A16 के में 3 कलर्स जबकि C31 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A16 के में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹10,490, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹12,490 में मिल जाता है। वही अगर बात करें C31 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,499, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,999 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो ओप्पो A16 के में 7 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है
जबकि बात करें पोको C31 की तो उसमें 4 फायदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें इन्फिनिक्स 08i है, दूसरा ओप्पो A15 है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी F12 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें माइक्रोमैक्स इन नोट 1 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।